अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं, एक ऐसी जगह की ज़ियारत करवा रहे हैं जो किश्तवाड़ की आन बान शान, किश्तवाड़ की पहचान मानी जाती है। वो है यहाँ की ज़ियारत, सबसे बड़ी ज़ियारत हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इनकी ज़ियारत, इनकी जो मज़ार शरीफ है, और आज इसको दरगाह के नाम से भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ ज़ियारत के नाम से मानते हैं। इसकी ज़ियारत आप जो करवाने वाले हैं, तो अभी हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड के अंदर, जो ज़ियारत के सामने दरगाह के सामने ग्राउंड है, एंट्री के साथ यहाँ पर है। ये सामने आप देख पा रहे हैं ये मस्जिद गुम्बद वगैरह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ियारत के साथ साथ में दरगाह के साथ में ये सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए, दरगाह के अंदर जाने के लिए। इससे पहले थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं कि यहाँ से पूरा किश्तवाड़ किस तरीके से दिखता है। ये मस्जिद शरीफ है जिसके जिक्र मैंने किया था, और यहाँ से पूरा का पूरा किश्तवाड़ भी एक खूबसूरत नज़ारे की तरफ पेश होता है, दिखता है। आप देख सकते हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो ऐसी चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं, और दरगाह ज़ियारत वली पीर पीर वलियों को मानने वाले हैं तो ऐसी जगह तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपको मिलाना चाहूँगा हमारे जो साथी हैं आशिक हुसैन साहब, ये आपके सामने हैं, ये हमारे साथ वीडियो शूट करने के साथी है पार्टनर। और ये देखिए चारों तरफ से किश्तवाड़ के बड़े बड़े हिल्स। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं दरगाह का गेट, जो मेन दरवाज़ा है ज़ियारत का अंदर का, जिस पे आप तांबे के पट्टे पे लिखा हुआ अल्लाह मोहम्मद। ये अंदर की पहली मज़ार शरीफ है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर तीन मज़ार शरीफ बड़ी हैं और इनके पूरे फैमिली की हैं। तो ये पहली मज़ार शरीफ है जो हज़रत सैदना शाह मोहम्मद अख्तियारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े शाह साहब के फर्जन हैं। बड़े शाह साहब का मतलब है कि जिनकी मान्यता यहाँ पर लोग मानता है मानते हैं लोग जिनकी मान्यता है हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके फर्जन हैं। अब अंदर दूसरे कमरे में आपको दो मज़ार शरीफ एक साथ देखने को मिलेंगी, उनके बारे में भी आपको बताएंगे जिसे अभी एंट्री करें। उससे पहले आप थोड़ा सा इस कमरे का व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार कितना खूबसूरत है। ये शजरा है शाह साहब के पूरे जो पहले पीढ़ियों का भी और उनके बाद की पीढ़ियों का भी पूरा शजरा। अभी हम एंट्री कर रहे हैं अंदर वाले दूसरे वाले कमरे में। यहाँ पर दो मज़ार शरीफ एक साथ हैं जो आप देख पा रहे हैं। पहले इन जो फर्स्ट कॉर्नर पे हैं, ये हैं इनके दूसरे फर्जन, बड़े शाह साहब के दूसरे फर्जन हज़रत शाह अनवारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और साथ में खुद बड़े शाह साहब हैं हज़रत सैदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मज़ार शरीफ यहाँ पर हैं जिनके आप अभी ज़ियारत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने जो लोग हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपने उम्मीदों को लेकर, हाजात को लेकर। और यहाँ के लोगों का मानना है कि आज तक जो भी इंसान यहाँ पर कोई भी हाजात लेके आए, कभी कोई खाली हाथ किया खाली झोली ना उम्मीद नहीं लौटा यहाँ से, ये यहाँ के लोगों का मानना है। तो अगर आप चाहें अभी ज़ियारत करते करते आप कोई भी मन्नत कोई भी हाजात भी अपनी रख सकते हैं, इनसे दुआ कर सकते हैं, और हम भी दुआ करते हैं कि इनके वसीले से आपकी दुआ भी कबूल हो जाए। अभी यहाँ पे दूसरी भी और जो इनके फैमिली हैं मोहतरमा, इनके अहलिया, तीन बीवियाँ थी बड़े शाह साहब की, वो दूसरे कमरे में, वहाँ पर इजाज़त नहीं है जेंट्स को जाने की, तो इसलिए वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। वहाँ पर सिर्फ ख़वातीन जाती हैं, लेडीज़ जाती हैं उनकी ज़ियारत के लिए, जेंट्स का जाना अलाउड नहीं है, सो आपको दिखा नहीं पाएंगे, मगर जानकारी ज़रूर शेयर कर रहे हैं। अभी हम वापस निकल रहे हैं बाहर वाले कमरे में, फर्स्ट के कमरे में, जबकि पहले ज़ियारत शरीफ पहले मज़ार शरीफ आपको दिखा रहे थे। इसके साथ में आपको दूसरा एक छोटा सा कमरा मिलेगा देखने को। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो शाह साहब के इबादत की जगह थी, लोगों का ये मानना है जहाँ तक मेरे नॉलेज तक है, और आज भी ये इसी तरीके से इबादत के लिए रखा हुआ है साइड पर, कि कोई भी यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ज़ियारत के लिए आते हैं या किसी हिसाब से घूमने के लिए आते हैं, तो वो अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है, कोई नफिल नमाज़ पढ़ना चाहता है, कोई कुछ भी पढ़ना चाहता है यहाँ पे, तो वो इस कमरे में बैठकर पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं। तो ये हम वापस हम शाजिर के पास पहुँचे जो दरवाज़े के साथ में है, जो कोस पार्क से लेकर इनके आखिरी पीढ़ी तक का शजरा है।
अब हम बाहर के दिखा रहे हैं आपको। ये बाहर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर मदफन है, जो इनके साथी थे उस टाइम पे जिन्हें साथ दिया था, कुछ लोगों ने इनके दिन फैलाने में साथ दिया था। तो यहाँ पर जो खास बात है कि शाह साहब यहाँ पे आए क्यों थे दिन फैलाने के लिए, इनसे पहले यहाँ पर कोई भी मुसलमान मौजूद नहीं था। तो पहले शख्स हैं जिन्होंने यहाँ पे दीन फैलाया था। अभी जो मजार शरीफ आप देख पा रहे हैं, ये हैं इनके खलीफा तीन यार थे, हजरत यार मोहम्मद साहिब, दरवेश मोहम्मद साहिब, हजरत खान मोहम्मद शाह साहिब। इनके मजार शरीफ है सामने, जिन्होंने इनका सबसे बड़ा साथ दिया है। अभी आपको जो एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको सामने, दीवार जाली के अंदर, ये वो दीवार है, इनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। ये चल के आई हुई दीवार है, 5 किलोमीटर दूर से चल के आई हुई दीवार है। और इसके बारे में आप, ये दीवार कैसे चल के आई, क्यों चल के आई और किसने चला के लाई, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके नीचे लिख दीजिए। तो अगली वीडियो इसके ऊपर हम बनाएंगे कि क्यों चल के आई, कैसे और किसने चला के लाई और कहाँ से चल के आई। एक दीवार चलते हुए आई 5 किलोमीटर दूर से चलते हुए, और आज भी यहाँ पर सदियों से यहाँ पर मौजूद है इसी तरीके से, जिसमें कोई भी खराश, कोई भी गिरने का या क्रैक होने का कोई भी खतरा या निशान नहीं हो पा रहा है। और लोग इससे भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाजतें पूरी हो रही हैं, यहाँ पर भी हाजतें मांगते हैं लोग। तो ये थी जानकारी यहाँ के हमारे शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में, जो यहाँ पे 393 साल पहले आए थे, यहाँ पे क़याम किया, ज़िंदगी गुजारी, सफ़र किया ज़िंदगी का पूरा, और उसके बाद इनकी मजार शरीफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही है। और इसके बाद इनके सफ़र में क्या क्या उन्होंने यहाँ पे किया, कहाँ से आए, कब आए और कितने देर यहाँ पे रहे, क्या क्या किया, सारे कारनामे आपको हम बता सकते हैं, इनके काम बता सकते हैं। अगर उसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि फिर उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ ज़्यारत करवाई, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो उतनी लंबी नहीं बना सकते हैं। हाँ, इंटरेस्टेड रहेंगे तो ज़रूर दूसरी वीडियो पे आपको पूरी हिस्ट्री इनकी बता देंगे। इनके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो इनके बारे में रहेगी, और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे दरगाह यहाँ पर हैं, और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके बारे में अलग अलग वीडियोज़ जो हम अपलोड करने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएँ, तो बेल का आइटम ज़रूर आइकॉन ज़रूर दबाएँ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।